अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलाम और आप देख रहे हैं सलाम सॉल्यूशन पॉइंट में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको MI का टीवी में कैसे कीबोर्ड और माउस को यूज़ करते हैं USB की मदद से, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास USB कीबोर्ड है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, और USB माउस भी यहाँ पर अवेलेबल है मेरे पास। मैंने इसको फ्लिपकार्ट के थ्रू परचेस किया है, आप भी जाकर वहाँ से परचेस कर सकते हैं, और ये किसी भी MI TV में वर्क करेगा दोस्तों। तो चलिए इसको कैसे यूज़ किया जाता है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए TV के ऊपर चलते हैं। दोस्तों ये हमारा पास MI का 4A TV Pro है, तो इसको यूज़ करते हैं अपना USB कीबोर्ड को। चलिए पीछे की तरफ चलते हैं हमारे USB केबल को लेकर अपने TV के USB में। पहले मैं दिखा दूँ यहाँ पर MI का TV मेरा मौजूद है। ओके दोस्तों ये TV ऑन है। अब चलते हैं पीछे की तरफ, तो ये हमारा TV का USB में है, हमको लगाना है अपना कीबोर्ड का USB जैक। तो ये हमारे यहाँ पे USB जैक कीबोर्ड का, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ इसको। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से लगाइएगा दोस्तों। तो ये हमारे USB केबल का जैक लग गया हमारा TV में। अब चलते हैं हमारा दोस्तों अब हमारा माउस का USB लगाने के लिए। दोस्तों ये हमारा, अब ये है हमारा USB माउस। तो चलिए इसको भी लगा देते हैं अपने TV के पीछे USB में। ध्यान से दोस्तों आप इसको करिएगा और बी केयरफुल, शॉर्ट भी लग सकता है। तो दोस्तों ये हमारा माउस में एक लाइन आ गया, आप देख पा रहे हैं लाइट जल गया है। अब चलते हैं TV के फ्रंट पर। तो दोस्तों ये हमारा TV पे माउस का सैम्बल आ चुका है, यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों। मैं आपको क्लिक करके भी दिखा दे रहा हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे। तो ये दोस्तों देख पा रहे हैं, ये हमारा माउस का सैम्बल आ चुका है, यानी ये हमारा माउस वर्क कर रहा है MI के TV में बहुत ही अच्छा से। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं सारी चीज़ों को ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। देख पा रहे हैं दोस्तों ये सारे चीज़ को ऑपरेट कर रहा है ये माउस। अब मैं आपको कीबोर्ड का भी फंक्शन को क्या ये सपोर्ट कर रहा है या नहीं मैं दिखा दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों अभी हमारे पास सेटअप हो गया है हमारा कीबोर्ड और माउस, अब दिखाते हैं अपना सब कुछ वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये हमारा माउस प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मैंने क्लिक किया इस पर वाईफाई पर। देखिए दोस्तों ये हमारा वाईफाई ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं अपना रेडमी नोट 6 प्रो को हॉटस्पॉट ऑन करके कनेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये हमारा मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन, ये हमारा मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन हो गया है दोस्तों। अब यहाँ पे रेडमी नोट 6 प्रो कनेक्ट। दोस्तों ये देख पा रहे हैं माउस बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। दोस्तों ये हमारा नेट कनेक्ट हो गया हॉटस्पॉट के थ्रू। अब यहाँ पे मैं मोर में जाकर क्लिक करके देख पा रहा हूँ कि हमारा जो माउस है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है MI के TV पे। अब यहाँ पे ऐप ड्रॉअर मैंने खोल कर रखा और यहाँ पे ऊपर की तरफ सर्च में क्लिक किया। अब चलते हैं माउस कि हमारा माउस काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड से उठाकर अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे X। देखिए दोस्तों हमारा पूरा वर्क कर रहा है, ये डिलीट भी हो रहा है और यहाँ पे भी X है, यहाँ पे सब वर्ड हमारा काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं शेयर इट व्हाट्सएप, सॉरी दोस्तों व्हाट्सएप लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा व्हाट्सएप भी काम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा माउस और कीबोर्ड दोनों ही प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने TV में MI का TV में माउस और कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।